सब्सक्राइब करो अकॉस्टिक शुभम वर्मा चैनल को और इस बेल आइकन को दबाओ नए गानों के इजी गिटार लेसन को सबसे पहले देखने के लिए। Hey guys, what's up? Welcome back to my channel, अकॉस्टिक शुभम वर्मा। दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों आज हम एक पंजाबी गाना सीखेंगे, अखिल का दोस्तों गाना है एक नया जो कि बहुत प्यारा है और गाना दोस्तों बहुत ईजी है और इसको थोड़ा सा और ईजी करने के लिए हम लोग दोस्तों कैपो को लगाएंगे सेकेंड फ्लैट पे। मैं आपको जो कॉर्ड्स बताऊंगा कैपो विदाउट कैपो दोनों बताऊंगा, तो कैपो लगा के जो कॉर्ड्स इस गाने के अंदर दोस्तों हम यूज करेंगे वो हम करेंगे दोस्तों ए माइनर, ई माइनर, डी माइनर, एफ मेजर, सी मेजर और जी मेजर। ठीक है दोस्तों, तो ये कॉर्ड्स है जो कि सेकंड फ्रेट पे कैपो लगाने के बाद इस गाने के अंदर हम यूज करेंगे। अगर मैं बात करूं विदाउट कैपो प्ले करने की तो विदाउट कैपो भी ये गाना जो है बहुत इजी है। एफ शार्प माइनर बी माइनर का यूज हो रहा है इस गाने के अंदर, इसलिए मैंने कैपो को लगाया था सेकंड फ्रेट पे, जो लोग बी माइनर और एफ शार्प माइनर बार कॉर्ड में नहीं प्ले कर पाते उनके लिए। लेकिन ये दोनों ही कॉर्ड इजी है, अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आप इजिली इस गाने को विदाउट कैपो भी प्ले कर सकते हो। तो जो विदाउट कैपो कॉर्ड इस गाने के अंदर दोस्तों यूज होंगे वो होंगे बी माइनर, आप बार में भी प्ले कर सकते हो ठीक है, और ओपन में इस तरीके से, एफ शार्प माइनर, ई माइनर, डी मेजर, जी मेजर और ई मेजर। ठीक है दोस्तों, तो ये कॉर्ड्स हैं जो कि विद और विदाउट कैपो हम गाने को प्ले करेंगे। मैं जो गाना प्ले करूंगा वो मैं सेकंड फ्रेट लगा के प्ले करूंगा ताकि बिगनर्स को समझने में आसानी हो। बाकी मैंने कॉर्ड्स बता दिए किस कॉर्ड की जगह कौन सा कॉर्ड कैपो और विदाउट कैपो जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया, तो जो लोग विदाउट कैपो प्ले करना चाहते हैं आप लोग प्ले कर सकते हो। अभी मैं दोस्तों हम गाने को प्ले करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको स्ट्रमिंग बता दूं। हम इस गाने के अंदर तीन तरीके से स्ट्रमिंग का यूज करेंगे। सबसे पहला सबसे ईजी है नॉर्मल डाउन स्ट्रोक, हम गाने की शुरुआत नॉर्मल डाउन स्ट्रोक से करेंगे। उसके बाद जो हम स्ट्रमिंग का यूज करेंगे दोस्तों वो है डाउन डाउन अप चक, डाउन डाउन अप चक, डाउन डाउन अप चक, सिंपल डाउन डाउन अप चक। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो तीसरी स्ट्रमिंग आती है वो आती है हमारी डाउन डाउन अप अप डाउन अप डाउन डाउन अप। ये स्ट्रमिंग दो तरीकों से प्ले होती है, मैंने आपको बहुत बार बताया। इस स्ट्रमिंग को हम चाहे तो एक कॉर्ड में भी कंप्लीट कर सकते हैं और ज्यादातर गानों में ये वाली स्ट्रमिंग जब यूज होती है जहां पे एक स्ट्रमिंग दो कॉर्ड्स में डिवाइड हो जाती है। यानी कि जैसे कि मैं अगर ए माइनर और जी मेजर को प्ले करूंगा तो इस स्ट्रमिंग क्या है मेरी डाउन डाउन अप अप डाउन अप डाउन डाउन अप। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा डाउन डाउन को लगाऊंगा ए माइनर पे और बाकी की स्ट्रमिंग अप अप डाउन अप डाउन डाउन अप को लगाऊंगा जी मेजर पे। इस तरीके से इस गाने में जो है हमने स्ट्रमिंग का यूज हुआ है। ठीक है ना, स्ट्रमिंग का हम यूज करेंगे। पहली स्ट्रमिंग डाउन डाउन अप चक, डाउन डाउन अप चक और दूसरी डाउन डाउन अप अप डाउन अप डाउन डाउन अप। इसको किस तरीके से प्ले करना है वो मैंने आपको बता दिया और नॉर्मल डाउन स्ट्रोक का भी इस गाने के अंदर यूज करेंगे। अब दोस्तों मैं गिटार को प्ले करूंगा ओरिजिनल गाने के साथ, आप लोग स्क्रीन पे कॉर्ड पोजीशन देखते रहिए और अपने गिटार को उठा करके मेरे साथ प्ले कीजिए तो इस गाने को आप जल्दी सीखोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Thank you.
कि आप सभी ने देखा हो आप लोगों को दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, गाना समझ में आया होगा, लेसन भी इजी लगा होगा। अगर आपको इजी लगा है तो प्लीज इसको अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि इजी गिटार लेसन आप लोगों को मिलते रहे सबसे पहले। तब तक अपने और अपने गिटार का ख्याल रखो। बाय बाय, टेक केयर।